सो हेलो माई सी ए फाइनल फ्रेंड्स, मेरे सी ए फाइनल दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिकलशिप के साथ साथ कैसे पढ़ाई की जाती है। आप लोगों के माइंड में कई सारे डाउट्स आते होंगे कि मैम टाइम ही नहीं मिलता, आर्टिकलशिप में सुबह से रात निकल जाती है काम करते करते, और पढ़ाई का तो टाइम ही नहीं मिल पाता। एग्ज़ाम आने वाले हैं, कैसे हम अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, नवंबर 2024 एंड मई 2025 के लिए हम कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, कैसे हम आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई करें, ये जो घबराहट है आपके माइंड में, ये जो टेंशन है, उसी टेंशन को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे आपको स्टडी करना है अलॉन्ग विद योर आर्टिकलशिप, जिसमें हम पर्टिकुलर फोकस करेंगे कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है आर्टिकलशिप के साथ साथ अपनी सीए फाइनल की स्टडी करने के लिए। सो आइए डिस्कस करते हैं मास्टरिंग टाइम सीए फाइनल विद आर्टिकलशिप, कैसे हम अपनी आर्टिकलशिप के साथ साथ सीए फाइनल को स्टडी करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप आर्टिकलशिप अपने ऑफिस के लिए निकलोगे, ठीक है, जनरली लोगों का टाइम 9:30 10 पे निकलने का हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आप ऑफिस के लिए लीव कर रहे हो तो मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है पढ़ने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको डेली मॉर्निंग में 3-4 आवर्स निकालने हैं, तो उसके लिए आपको मॉर्निंग में जल्दी जगना पड़ेगा, अर्ली वेकअप आपको करना पड़ेगा, अराउंड 4 AM या 5 AM आप उठ जाओ सुबह, ठीक है, उठ के आप 3-4 घंटे 3-4 आवर्स की एक स्ट्रेच स्टडी आप प्लान करो एवरी डे बिफोर लीविंग द ऑफिस। उसमें अगर आप लोगों की क्लास कंप्लीट नहीं हुई है तो आप मॉर्निंग में क्लास ले सकते हो, और अगर क्लास कंप्लीट हो चुकी है तो आप थ्योरी सब्जेक्ट ले लो। थ्योरी सब्जेक्ट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो काफी अच्छे से हो जाता है रिवाइज और ज्यादा रिटेन रहता है। जो मॉर्निंग का पीरियड होता है अगर आप उसमें पढ़ोगे तो वो ज्यादा रिटेन रहता है, प्लस जो आपने सुबह सुबह 3-4 घंटे थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ा है अच्छे से, उसका 10-15 मिनट्स का आप रिवीजन का टाइम अपने ऑफिस के टाइम में निकालो। जब आप मेट्रो में है, टैक्सी में जा रहे हैं, लंच के टाइम, ब्रेक टाइम है आपका, तो स्टार्टिंग में जो आपने 3-4 घंटे पढ़ा है मॉर्निंग में, एवरी मॉर्निंग जो आपने 3-4 घंटे थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ा है उसका 10-15 मिनट्स का रिवीजन जरूर निकालना है। तो आपको ये प्लान करना ही करना है अपने टाइम टेबल में कि 3-4 घंटे मॉर्निंग में आपको पढ़ना है। शुरुआत में 1-2 दिन में दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो बहुत ईजी हो जाएगा, और क्या है, आपको एक कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस की फीलिंग नहीं होगी। क्या होता है, जो लोग पढ़ के नहीं जाते मॉर्निंग में तो वो ऑफिस जाके ऑफिस के काम में टेंशन ढूंढते हैं कि अरे मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, और घर पे आके ऑफिस की टेंशन लेते हैं। और जो लोग सुबह सुबह 3-4 घंटे पढ़ के गए होंगे तो उनको लगेगा अरे सुबह तो मैंने खूब पढ़ाई करी, तो एनर्जेटिक भी फील करेंगे और ऑफिस का काम भी अच्छे से होगा। तो मॉर्निंग में 3-4 घंटे की आप पढ़ाई करो। दूसरा रीजन ये है कि जब आप ऑफिस से वापस आते हो तो काफी आपकी एनर्जी ब्रेकडाउन हो गई होती है, तो वहां पे आप एक नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, नए कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ सकते। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि इवनिंग में जब आप आफ्टर ऑफिस आओ तो 2-3 घंटे आप निकालो, 2-3 आवर्स आप निकालो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए जैसे आपने FR के NDS ले लो, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लो, इजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट निकाल लो। IDT के वैल्यूएशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर दो, DT में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है ना। तो ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप लो इवनिंग में, तो ऐसा आपका जो ड्यूरिंग द ऑफिस डेज है मंडे टू फ्राइडे, वहाँ आपकी अराउंड 6-8 आवर्स की स्टडी आराम से हो सकती है, ठीक है। मिनिमम 6 घंटे की भी स्टडी अगर हो रही है तो भी सफिशियंट है, नो इश्यू इन दैट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनके आप अपने वॉइस नोट्स बनाओ। ये काफी एक अच्छा तरीका है, स्ट्रेटजी है, जो हम लोगों ने भी अपने सीए फाइनल में अपनाया था। हम क्या करते थे, हम ऑडिट स्टैंडर्ड्स वगैरह जो होते हैं उसके हम अपनी वॉइस में थ्योरी रिकॉर्डिंग कर लेते थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल SA 200, तो 10-15 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में रखते थे,
ठीक है, तो सारे ऑल एसेस की मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने रख रखी थी। तो उससे क्या होता था, जब आप मेट्रो में हो, लंच में हो, या आपको एक घंटे का ब्रेक मिल गया है, आपके पास कोई काम नहीं है, फ्री टाइम है ऑफिस में, तो आप अपने ईयरफोन्स प्लग करो, सारे एसेस रिवाइज कर लो। बात समझ में आ रही है? और क्या क्या ले सकते हो आप डीटी के प्रोविजंस ले सकते हो, आईडीटी के प्रोविजंस ले सकते हो, ठीक है। जैसे पीजीपीपी है डीटी का, तो पीजीपीपी में सेक्शन 28 से लेकर जो भी सेक्शन से आगे के, वो आप उसको रिकॉर्ड कर लो वॉइस रिकॉर्डिंग। तो जब भी आप एक बार पढ़ो उसका लास्ट में एक समरी वॉइस रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अब तो काफी ज्यादा एआई टूल्स भी आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लो, टेक सपोर्ट। कैसे, अगर आप अपने वॉइस नोट नहीं बना सकते हो तो सेकंड कई सारी फैकल्टीज के रिवीजन लेक्चर हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो, कोई भी एक फैकल्टी चूज कर लो रिवीजन लेक्चर्स के लिए, और वहां पे क्या करो, उनके लिंक सेव करके रखो, जिससे जल्दी उसको खोल के आप रिवाइज कर सको, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि अपने वॉइस नोट बनाओ, क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई चीज अपनी आवाज में समझते हो, अपनी आवाज में सुनते हो, तो वो जल्दी रिवाइज होती है और वो जल्दी आपको, और फिर क्या होता है ना, वॉइस नोट में ना आप ये भी लिख सकते हो, इस पे ध्यान देना, बार बार भूल रहा हूं मैं, ये ऐसे बोल सकते हो ना उसमें, उसमें जैसे मैं ऐसे 200 है उसके कोई 2-3 पॉइंट्स में भूल रही हूँ, तो ध्यान देना, एक बार और बोल लो अपने लिए, ठीक है ना। तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। दूसरा, अपनी ही आवाज में थोड़ी पिच बढ़ा के, कम करके आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग, मजे भी आएंगे उसको सुनने में, ठीक है। तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो मॉर्निंग में शेड्यूल जरूर बनाना है पढ़ने का, ये नहीं कि फटाफट से उठे और अपना नॉर्मल डेली रूटीन करके ऑफिस भागे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 3 घंटे 2 घंटे आप निकालो ही निकालो पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड, आप अपने वॉइस नोट्स बना के रखो, आप अपने कोई शॉर्ट नोट्स रिवीजन लेक्चर्स बना के रखो, जिसको कि आप ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, ठीक है, ड्यूरिंग फ्री टाइम, एनी फ्री टाइम। देखो, टाइम तो स्टील करना पड़ेगा, और टाइम स्टील करना ही पड़ेगा, आपको सीए बनना है या नहीं बनना, अगर आपको बनना है तो आपको टाइम स्टील करना ही है। तो टाइम निकाल निकाल के आप वहां पर रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर आगे चलूं तो एटलीस्ट 5-6 आवर्स डेली आपकी सफिशियंट स्टडी चलेगी, लेकिन 10-12 घंटे आपको वीकेंड्स पे देने हैं। वीकेंड्स पे तो आलस आ जाता है कि मंडे टू फ्राइडे हमने इतना काम किया, सैटरडे संडे तो हम आराम करेंगे, आपके लिए आराम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सैटरडे संडे को तो आपको और मेहनत करनी है, आपको और स्टडी करनी है। सैटरडे संडे में नंबर फर्स्ट, जो आपने डेली मंडे टू फ्राइडे आपने जो भी पढ़ा उसका एक रिवीजन लेना है, प्लस अपनी सीए फाइनल की स्ट्रेटेजी देखनी है कि आप कहाँ कहाँ पर लैग कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपका पीछे चल रहा है, उसकी आपको स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी है। प्लानिंग अच्छी करोगे तभी सक्सेस होगी, प्लानिंग ही नहीं होगी तो सक्सेस किस बात की, ये तो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे को आपको क्या देखना है, एटलीस्ट 10-12 आवर्स की स्टडी तो रखनी है, जिसमें नए कंसेप्ट भी देखने हैं, कुछ नए इम्पॉर्टेंट टफ चैप्टर्स भी देखने हैं, जिसको आप ड्यूरिंग अपने डेली शेड्यूल में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक बात जरूर ध्यान रखना, जो डेली आप पढ़ते हो मंडे टू फ्राइडे ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप शेड्यूल, जो आप मॉर्निंग में 3 घंटे का और इवनिंग में 2-3 घंटे का प्लान कर रहे हो स्टडी का, तो उस मंडे टू फ्राइडे में आपको 30 मिनट जरूर निकालने हैं एंड ऑफ द ईच डे। हर दिन लास्ट में रात को 30 मिनट जरूर निकालने हैं कि जो उस दिन पढ़ा आपने उसका फटाफट से एक रिवीजन लेने का। क्यों कह रहे हैं हम ये जो 30 मिनट होते हैं ये माइंड में आपको इंटरलॉक कर देते हैं कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है ना, और आपको एक कॉन्फिडेंस रात को फील करवाते हैं कि आज हमने काफी पढ़ा। और वही 30 मिनट अगर जिस दिन आपने नहीं पढ़ा होगा तो उस दिन आपको 30 मिनट ये रियलाइज कराएंगे कि आप पीछे चल रहे हो, सीए फाइनल कोई और बन जाएगा आपकी जगह, सीए कोई और निकाल जाएगा आपकी जगह। तो वो आपको ये रिमाइंड दिलाते हैं कि भाई ध्यान दे ले अपनी स्टडीज पे। तो 30 मिनट आपको हर दिन एंड में निकालने हैं ये देखने के लिए फुल डे में आपने क्या क्या पढ़ा, व्हाट यू हैव लर्न, क्लियर है। उसके बाद
अगर आपके आर्टिकलशिप में आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके संग भी यही सिनेरियो है कि वो टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आप उनसे फ्रेंडशिप, आपके फ्रेंड्स हैं वो, उनके संग पढ़ना थोड़ा थोड़ा चालू करो, ठीक है। उनके संग डिस्कशन करने से बहुत फर्क पड़ता है। उनके संग टाइम स्टडी निकालो, टाइम ग्रुप निकालो, स्टडी ग्रुप निकालो, और उसके बाद डिस्कशन करो, उनको पढ़ाओ। जो टॉपिक उन्हें नहीं आता वो आप पढ़ाओ, जो आपको नहीं आता वो पढ़ाए, क्योंकि पढ़ाने से अच्छा कोई भी तरीका नहीं है सीखने का। जितना पढ़ाओगे, जितना ज्ञान बांटोगे, उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी एक बेस्ट तरीका है कि ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप आपका जो फ्रेंड है आर्टिकलशिप में ही है, साथ में आप ट्रेवलिंग करते हो, तो आप अपना एक प्लान बना लो कि कल तू ऐसे 200 रिवाइज करके आई हो, मैं भी करके आऊंगा, दोनों आपस में क्विज करेंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि कल तू ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ा दियो और ये वाला टॉपिक मैं तुझे पढ़ा दूंगा, तेरे को नहीं आ रहा, क्लियर हो जाएगा कि कहीं पे डाउट्स तो नहीं है। तो इससे बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी और जो चीज़ आपको नहीं आती वो चीज़ भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अपनी लीव्स को बहुत अच्छे से प्लान करो। जैसे क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 7 डेज में या नेक्स्ट 15 डेज में आप प्लान करो कि आर्टिकलशिप जहाँ कर रहे हो वहाँ पर क्या क्या पोटेंशियल लीव्स हो सकती हैं, वो प्लान कर लो, क्या क्या छुट्टियाँ आ सकती हैं, और पहले से ही ये मार्क करके रख लो कि ये चैप्टर मुझे उस छुट्टी वाले दिन करना है। जैसे डीटी का पीजीबीपी के क्वेश्चंस अब आप डेली तो नहीं लगा सकते क्योंकि काफी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, रात को आके थकान हो जाती है और उसमें दिमाग भी बहुत लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस टाइप के जो चैप्टर्स है, जो बहुत टफ चैप्टर है, फॉर एग्जांपल एफआर में बिजनेस कॉम्बिनेशन, आप उसको छुट्टी वाले दिन करो, ठीक है ना। तो आप क्या करो, अपनी लीव्स को बहुत अच्छे से प्लान करो जिससे प्रोडक्टिविटी अपनी मैक्सिमाइज कर सको और बेस्ट रिजल्ट आप अचीव कर सको, ठीक है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपके बहुत प्रॉपरली बने होने चाहिए। क्या होता है, जो आपने फैकल्टीज से पढ़ा, अब आपने किसी डायरी में कुछ शॉर्ट नोट्स उतार रखे हैं, किसी और रजिस्टर में शॉर्ट नोट्स उतार रखे हैं, किसी चैप्टर के कहीं उतार रखे हैं, ऐसा प्लीज भाई मत करना, रिक्वेस्ट है आपसे। शॉर्ट नोट्स एक प्रॉपर होने चाहिए क्योंकि वन डे पहले जो रिवीजन करना है वो आपको फुल सब्जेक्ट का करना है, पार्ट पार्ट का रिवीजन मत कर जाना। दूसरा, अगर आपके पास सारे 6 सब्जेक्ट के अच्छे से शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हो ड्यूरिंग योर फ्री टाइम। आर्टिकलशिप में जहाँ पे भी फ्री टाइम मिले आप अपने शॉर्ट नोट्स अपने पास रखो जिससे कि आप उसको रिवाइज इजिली करो। दूसरा, आप चार्ट फॉर्म में अपने शॉर्ट नोट्स रखो, चार्ट फॉर्म में पीडीएफ रखो अपने फोन में, ठीक है। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप ऑडिट के जो भी प्रोविजन है उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, आईडीटी के जो भी प्रोविजन है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स अपने पास रखो जिससे आप बेटर रिवाइज कर सको और बेटर फास्टली आप उसको अचीव कर सको। टेस्ट सीरीज जो है वो आप टेस्ट सीरीज सैटरडे संडे को जरूर दो, टेस्ट सीरीज मत तोड़ना। अरे पढ़ने का, अब लोग क्या कहते हैं, पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलता, टेस्ट सीरीज कैसे दें। नहीं, प्लान करो, होगा, प्लान करोगे तो होगा। तो टेस्ट सीरीज आप अच्छे से इसको सैटरडे संडे को टेस्ट सीरीज जरूर आप एक ना एक सब्जेक्ट ही रखो, जिस सब्जेक्ट पे कमांड हो चुकी है उसको रिवाइज करो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए। उसका मंडे टू फ्राइडे में उसका स्केड्यूल मत रखो, और जिस सब्जेक्ट की कमांड नहीं हुई है उसको मंडे टू फ्राइडे को रखो, और जिस सब्जेक्ट में बहुत ही वीक हो उसके मल्टीपल रिविजन्स रखो, मल्टीपल रिविजन रखो। रिविजन का टाइम नहीं मिलता, नहीं, लंच ब्रेक में टाइम स्टील करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेवलिंग में टाइम स्टील करना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे वहीं पर भी ऑफिस में भी मिल जाता है, 1/2 घंटे का टाइम स्टील करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो यू कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट, अगर ये पॉइंट्स को आप ध्यान रखते हुए अपना एक टाइम प्लान और एक स्टडी प्लान बनाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन मैनेज योर टाइम, योर सीए फाइनल विद योर आर्टिकलशिप। फर्दर, अगर आपके कुछ पर्सनलाइज्ड डाउट है कि आपके कोई प्रॉब्लम्स, कोई पर्सनलाइज डाउट आ रहे हैं कि मैं कैसे मैनेज करूं अपनी आर्टिकलशिप में क्योंकि मेरे को ये पर्टिकुलर स्लॉट में दिक्कत आ रही है, आपके खुद के कोई डाउट है तो फर्दर आप इस वीडियो में कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपकी वो डाउट्स को, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
कहीं भी कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, सीए फाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे आर्टिकलशिप के संग क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली वी विल सॉल्व यू। फर्दर माय डियर फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि हमारे सीए फाइनल के कोर्सेज स्क्रीन पे लाइव हो चुके हैं। www.escolars.in पर जब आप विजिट करेंगे, अंडर सीए फाइनल टैब आपको हमारे कोर्सेज दिखेंगे। आप उनके कोर्स के बारे में अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, इंफॉर्मेशन जाननी है, तो आप फर्दर कॉन्टैक्ट अस के टैब में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, एंड हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर आप मेल लिख के भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।